अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं चावल और साबूदाने की खीर। सबसे पहले हम 4 चम्मच चावल ले लेते हैं और इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं और ये अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी डाल के इसको सॉक करने कर लेते हैं। चलें अब हम शुरू करते हैं साबूदाना, थोड़ा सा ना फ्राई कर लेंगे हम इसको हल्का सा। ये हमने लिया है 1 कप लिया है साबूदाना, इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा करेंगे, गर्म हो जाए। ये देखें गर्म होना शुरू हो गया, बस हल्का सा और करेंगे हम इसको गरम। अब हमने दूध लिया है, ये देखिए ये हमारा दूध 1 लीटर है। इसमें हम डालेंगे अपना ये साबूदाना डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे और साथ में हम अपने चावल भी इसमें ऐड कर लेंगे जिनको हमने भिगो के रखा था। ये देखिए हमारे चावल, आधा घंटा हमने इनको भिगोए रखा है। ये इस तरह हम मसल लेते हैं अच्छी तरह ताकि ये बारीक हो जाए। थोड़ा इसको अच्छी तरह मसलना है। ये देखिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं इसको। अब हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। अब हम जेली तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी डालते हैं इसमें और साथ में हम जेली के पैकेट डालेंगे, इसमें शामिल करते हैं अच्छी तरह। ये हम जेली हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह पका के फिर इसको ठंडा करते हैं। ये देखिए हल हो गई है हमारी जेली बीच में। हमारी जेली पककर तैयार हो गई है। अब हम इसको टुकड़ियों में करने के लिए इसमें सांचे में डाल लेते हैं। ये हमने सारी टुकड़ियों में डाल ली है। अब हम इसको फ्रीज कर लेते हैं फ्रिज में रख कर। ये देखें हमारे चावल और साबूदाना अच्छी तरह से मिक्स होकर पक चुका है और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप चीनी का शामिल करते हैं, या आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह पकाते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार साबूदाने और चावल की खीर तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।